मॉर्निंग गाइस, आज लोहड़ी है। मैं मुंबई में होती तो मैं गुरुद्वारे जाती कमल के साथ, बहुत मज़े करती, बट मैं यहाँ हूँ तो बहुत मज़े तो शायद ना हो पाए, कोशिश पूरी है। पापा बोल रहे हैं कि यहाँ सोसाइटी में होती है फंक्शन होता है लोहड़ी का, तो इसलिए वहाँ तो जाना ही है। तो आई एम रियली होपिंग कि यहाँ पे भी मज़े करूँ। और बाकी होता है गुरुद्वारे में मत्था टेकना होता है, तो वो मैंने पापा को पूछा है कि आसपास कोई गुरुद्वारा है और इफ़ ही कैन टेक मी, तो ही सर ठीक है। तो लेट्स सी हाउ द डे गोज। और अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह में, ससुराल में मेरी फेवरेट जगह है बालकनी, और सूरज के सामने बैठती हूँ मैं। ये दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही मेरे वहाँ मुंबई में नहीं मिलती हैं, ना तो बालकनी है हमारे घर में और ना ही सूरज ऐसे सामने ऊपर पड़ता है। तो आई थिंक मैं काफ़ी बार मेंशन कर चुकी हूँ ये ऑलरेडी अपने पीछे व्लॉग्स में। तो या ऐसे ही इंजॉय कर रही हूँ। ये मैंने सूट पहना हुआ है मीशो वाला, आप लोगों ने इसे हॉल में देखा होगा, मीशो के अभी जो रिसेंट वाला था। एंड या is a winding road, no telling where it goes, driving through days and nights, won't stop for traffic lights, and I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. मम्मी, आपको आपकी बहू जब भले ही सुंदर ना लगे, बहुत सुंदर है, सबसे सारी बहुओं में आपकी बहू सबसे ज्यादा सुंदर है। चल 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 हवा उड़ दे। मम्मी देख रही बड़ी सीरियसली टीवी। क्या है मम्मी, ये कौन सा सीरियल है? ऑलराइट गाइस, हम जा रहे हैं सबसे पहले गुरुद्वारे, मैं और पापा। आई हैड रिक्वेस्टेड हिम इन द मॉर्निंग कि मेरे को लेके चलना माथा टेकना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे गुरुद्वारे जाना लोहड़ी वाले दिन और ये सब। तो पापा हैज बिन काइंड इनफ टू अग्री, तो मुझे रेडी होना है क्योंकि हमेशा की तरह मेरा मन करता है अगर मैं जा रही हूँ तो अच्छे से तैयार होकर जाऊँ त्यौहार वाले दिन। सो आई एम गेटिंग रेडी। हमेशा की तरह हर जगह हम अपना डर्मावाइज और न्यूट्रीडर्म लेके आए हैं। सो सबसे पहले वॉशिंग माई फेस विथ दिस। Life is a winding road, no telling where it goes. Nutridome. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Done. Now the skin is ready for the makeup. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Ready to leave, both of us.
Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic light. कौन सी वाली है? अनाज धन। 10 किलो की है तो 10 किलो दे दो, नहीं तो 2 दे दो। 10 किलो अनाज जो है बोलना पापा। पापा गाड़ी आप खुली छोड़ देते, मैं पापा को बोल रही थी पापा गाड़ी बंद कर लो, ऐसे ना करो, खिड़की भी खुली हुई है। कोई नहीं, कह रहे बस तू अंदर से फोन निकाल ला, मतलब फोन की टेंशन है, गाड़ी भले चली जाए फोन न जाए, गाड़ी तो इंश्योर्ड है, पर फिर यहाँ ऐसी बात नहीं है। मेरे को लग रहा था कोई तो कुछ प्रोग्राम तो जरूर होगा लोहड़ी वाले दिन, मतलब या तो बहुत शांत, पर खराब कोरोना की वजह से ना सच, पर मुंबई में तो बहुत भाई नजारे लगते हैं, पर वही है वहाँ पे भी शायद इस साल कुछ ना हो, क्या पता। पहली बार आयो गुरुद्वारे किसी? नहीं आये हुए हो? अच्छा, मैं बंगला साहिब कितनी बार गया। अच्छा, बंगला साहिब गुरुद्वारा रकाबगंज कई बार गए। मेरे को लगा मैं पहली बार लेके आई शायद आपको। नहीं नहीं, साथ साथ दौड़ रहा है। हेलो हेलो हाय, कितना प्यार था। माते प्रसाद, हम लोग जा रहे हैं लोहड़ी का कार्यक्रम अटेंड करने नीचे, एंड मम्मी ने मुझे, मम्मी ये वाला सूट क्यों पहनवाया आपने मुझे बता दो सर। सूत्रा लागे, ये सूत्रा लागे है जो पहले पिंक वाला पहना होता सूती का वो। वैसे मम्मी मेरे से बहुत नाराज है, इस बात से खफा है कि मैं अच्छे अच्छे वो कढ़ाइयों वाले और हैवी हैवी सूट क्यों नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मैं वैसे पहनती नहीं। वो है, वो भी पहनूंगी किसी दिन, एक है सूट हैवी वाला थोड़ा, तो आज मम्मी बोल रही कि भाई ये वाला जो है काले वाला जो पहन ले, तो मैंने वही वाला चेंज कर लिया है, एंड अब हम जा रहे हैं नीचे। मम्मी गाने वाने लगेंगे? हाँ लगेंगे। अरे वाह, डांस कर लूँ मैं पहले बता दो? अच्छा ठीक है, कहीं पर चले बाद में ऊपर आके आप मुझे डांटोगे, ज्योति क्या बेशर्मों की तरह नाच रही थी। ठीक है चलो, परमिशन टेकन। यही वाला है ना, इसके अंदर यही वाला डालना है ना, ये डालना। शॉल ले लो। हाँ चलूंगी, पहले मैंने अभी के लिए भी ले लो माते, देखिए दांत चल जाता सर जाता हो जाएगा, इसका दूसरी साइड करूंगी ना। हाँ हाँ, आधे रखा ना फिर फेल गया, आराम कर सर सर, ये हाँ इसको अंदर आने दे सर देसी ना। हाँ 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 लीजिए, आया ना बड़ी वो है आपकी, ये सर 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 कर तू खेच, बड़ी बहुत है मम्मी, ये तो खत्म ही नहीं हो रही, इतने तो पतले हो आप, छोटा रखवा लिया ना। मैं पतली ही हूँ, पिछले साल तो आप बहुत ही पतले थे, बहुत बड़े पतले थे, धक्का मार कर बत्ती खाओ है। लो जी बधाई हो, थैंक यू, आपके घर नाड़ा हुआ है। ध्यान से रखना भाई, बहुत ही सावधानी से मम्मी के सलवार का नाड़ा डाला गया है। अच्छा मम्मी पहने तो हुए कपड़े, क्या हो गया ये? अच्छा ऐसी बातें नहीं करनी, अच्छा नहीं बोलते नहीं, चलो कट।
ज्यादा भीड़ थी वहाँ पे। हम लोग आई थिंक 2 मिनट में मम्मी निकल लिए ना, 2 मिनट में निकल लिए हम लोग, मतलब गए हैं। मैंने एक दो शॉर्ट्स लिए हैं और मैंने कहा बस भाई चलो, बहुत ज्यादा लोग थे। पापा कहाँ वहाँ से वहीं रुक रहे हैं अभी, कहीं आगे जा रहे हैं ना? वो पंडित जी साथ नहीं था, वे ऊपर जाएंगे। अच्छा, तो मम्मी और मैं वापस जा रहे हैं अब। तो anyway, this is it for today's vlog, guys. I hope you enjoyed this one. I really hope that you are enjoying this series of Delhi वाले vlogs, मेरे ससुराल वाले, and yeah, अभी बहुत सारे आएंगे. Stay tuned, and yeah, this is it for this one. I'm gonna say bye bye to you guys. See you super soon in the next one. Bye.